हाय गाइज, वेलकम बैक। और आज हम आ गए हैं यहाँ पे शाओमी पैड 6 आप लोगों के लिए लेकर, जो कि हमने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। शाओमी पैड 6 ये तकरीबन मुझे 17,500 रुपये का पड़ा है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में लाइव है। अगर आपको भी परचेज़ करना है तो आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। बॉक्स के पीछे यहाँ पर कुछ स्पेक वगैरह मेंशन की गई है, लाइक 144 हर्ट्स का डिस्प्ले मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर है, डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है, 8800 एमएएच की बैटरी है। यहाँ पर ये पेंसिल और कवर का दिखा रहा है, जो कि आपको सेपरेटली परचेज़ करना पड़ेगा। अगर आप उसे परचेज़ करते हैं तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बॉक्स ओपन कर लिया। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर पैड 6 मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके के प्रोटेक्टिव केस के साथ आता है। यहाँ पर अंदर में आपको यूज़र मैनुअल वगैरह मिल जाती है एंड 33 वॉट का टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाता है। तो ये है गाइज हमारा टैबलेट, जो कि कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। मेटालिक बैक के साथ आता है, फुल मेटल यूनि बॉडी आपको डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाएगा और काफ़ी स्लिम ये टैबलेट है। अगर आप इसे होल्ड करेंगे अपने हाथ में, वहाँ पर काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी, प्रीमियम फीलिंग आएगी। यहाँ पर ये आपका जहाँ पर पेंसिल, मैग्नेटिक पेंसिल मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, ऊपर में आपको स्पीकर मिल जाता है, दो स्पीकर के ग्रिल है, 4 स्पीकर आपको इस फोन में मिल जाएगा, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो यहाँ पर हमारा टैबलेट है वो यहाँ पर काफ़ी स्लिम में, नीचे में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, बैक में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि सिंगल कैमरा है। यहाँ पे एलईडी फ्लैश वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, विच इज़ वेरी प्रीमियम एंड काफ़ी स्लिम, यहाँ पे आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इस फोन, इस टैबलेट में मिल जाती है। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले की बात कर ले तो 11 इंच की 16:10:2 की डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि जिसका रेजोल्यूशन है 2.8K 144 हर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा विद एलसीडी डिस्प्ले। बट यहाँ पर एलसीडी होने की वजह से ओवरऑल जो कलर वगैरह हैं, कंटेंट वगैरह अगर आप इस टैबलेट में देखेंगे तो एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आपको अच्छा मिलेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पर कलर्स वगैरह ये टैबलेट आपको निकाल के देता है। अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्प्ले जो है इस टैबलेट की काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है इस टैबलेट में। तो ये टैब आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 14 पर आता है विद Android 13, पर जैसे ही मैंने इसे अपडेट किया वहाँ पर Xiaomi का हाइपर OS अपडेट मिल चुका था, जो कि Android वर्जन 14 के साथ आपको मिल जाता है। तो हाइपर OS में यहाँ पर काफ़ी तरह के कस्टमाइजेशन वगैरह आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन का विजेट्स वगैरह जो है उसे कुछ इस तरीके का लॉन्ग प्रेस करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन में आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टी विंडो का सपोर्ट मिल जाता है आपको, डॉक मिल जाता है जो कि मल्टी विंडो को काफ़ी आसानी से यहाँ पर ये हैंडल करता है ये टैब। तो यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पर हाइपर OS में काफ़ी सारे फीचर आपको इस टैबलेट के साथ मिल जाएंगे। तो इस टैबलेट में आपको स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिल जाता है, स्टोरेज जो है वो यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो मुझे यहाँ पर डे टू डे यूसेज में कोई भी मेजर लैग एंड स्टटर नहीं हुआ। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये काफ़ी सारे टास्क को हैंडल कर रहा था, कोई भी मुझे यहाँ पे मेजर लैग एंड स्टटर नहीं हुआ। ओवरऑल रैम मैनेजमेंट वगैरह वो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है ये टैबलेट निकाल के देता है। हमने यहाँ पर BGMI वगैरह भी खेला तो वहाँ पर भी ये 60 FPS का सपोर्ट दे रहा था, बट थोड़े से यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप वगैरह हो रहे थे। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था हमारा वो इस टैबलेट के साथ स्नैपड्रैगन 870 में वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस टैबलेट में। यहाँ पर आपको इस टैबलेट में स्टाइलस एंड कीबोर्ड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि हाइपर OS में यहाँ पर आप उसे इनेबल कर सकते हैं। आप एक्सेसरीज वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपको सेपरेटली परचेज करना पड़े। यहाँ पर हम चार्जिंग की बात कर ले तो 8840 mAh की बैटरी आपको इस टैबलेट में मिल जाती है, बट जो चार्जर है वो सप्लाइड आपको बॉक्स में मिलता है। 33 वॉट का आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में आपका यहाँ पर जो टैबलेट है वो चार्ज कर देगा। अगर आप कंप्लीटली ड्रेन कर देते तो तकरीबन 2 घंटे आपके टैबलेट को चार्ज होने में लग सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इट्स अ गुड टैबलेट, बट यहाँ पे प्रोसेसर जो है काफ़ी पुराना मिल जाता है, बट जो ओवरऑल डे टू डे टास्क हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से निकाल देता है। आप अगर नोट्स वगैरह लेते हैं, आप अगर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, आप अगर थोड़े बहुत गेम्स वगैरह भी करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टैबलेट के साथ, जो कि इस प्राइस में अगर आपको इस तरीके का परफॉर्मेंस कोई नहीं दे सकता इस टैबलेट में, डेफिनेटली यहाँ पर इस प्राइस में एक वन ऑफ द
बेस्ट टैबलेट है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है Xiaomi Pad 6, जो कि आपको 18,000 रुपये में Flipkart BBD सेल में मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे ये टैबलेट लगा। सो गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस एंड रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।